की बड़ी खबर, क्या नाना पटोले इन सवालों के जवाब दे पाएंगे। हालांकि नाना पटोले इन दिनों नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ने की मंशा बनाए बैठे हैं, लेकिन नाना पटोले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नितिन गडकरी के सामने अपने आप को टिका पाएंगे। जैसा कि हम आपको बता दें, नाना पटोले और कांग्रेस का चोली दामन का साथ है। कांग्रेस का न जम पाने से नाना पटोले ने कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते कांग्रेस प्रत्याशी के रूप से इन्होंने अपने आप को किसानों का मसीहा जरूर घोषित किया है। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार रहते समय और भाजपा के सांसद रहते समय क्या यह हमारे इन सवालों का जवाब दे पाएंगे। हमारा पहला सवाल है, 15 जून 2015 को 12,245 क्विंटल धान की कीमत लगभग 1,99,000 जो कि आदिवासी विकास महामंडल का धान और इस धान के चोरी के मुख्य आरोपी सचिन कुशल कारे मोरे और रोशन कारे मोरे है, दोनों निवासी भंडारा जिले के, इनके साथ क्या संबंध है। सवाल है हमारा दूसरा, इनके सांसद रहते समय भंडारा जिले के साकोली तहसील के कुमरी देवस्थान में जिला नियोजन के किए गए कामों में इन्हीं के सांसद निधि का जो भ्रष्टाचार हुआ है। सवाल है हमारा तीसरा, जब ये कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, आज से लगभग 15 वर्ष पहले नवेगांव बांध राष्ट्रीय उद्यान के म्यूजिक फाउंटेन के काम में हुए भ्रष्टाचार पर क्या ये चर्चा कर सकते हैं हमसे। हालांकि नितिन गडकरी इनके पिछले 5 वर्षों का लेखा जोखा देखा जाए तो कन्याकुमारी से दिल्ली तक और पूर्व से लेकर तो पश्चिम तक अनगिनत किसात्मक कार्यों की गिनती करना इम्पॉसिबल है। देश में गडकरी ने किए गए कामों को देखे तो नाना पटोले किसी भी परिस्थिति में नागपुर लोकसभा में टिकट नहीं पा सकते। नितिन गडकरी इन्होंने देश के साथ ही साथ नागपुर के विकास का भी अपना ध्यान केंद्रित रखा है। मेट्रो सड़क के यह विकास का यह जीता जागता उदाहरण है। नागपुर स्मार्ट सिटी को अनगन्य शहरी में आता है। नाना पटोले अगर आदिवासी विकास महामंडल के 12,245 क्विंटल धान चोरी के सचिन कारेमोरे के साथ इनके क्या संबंध है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।